हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी का होस्ट और दोस्त विजय कुशाग्र और लेकर आ गया हूं आप सभी का फेवरेट वाला शो जिसका नाम है मार्केट बस ओनली ऑन हैथवी टीवी युवा, क्योंकि ये जमाना है वी द यंगस्टर्स का। गाइस, मार्केट बस एक ऐसा सेगमेंट है जो हम जानते हैं कि आप सब तहे दिल से इंतजार करते हैं कि कौन कौन से मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं और हम उन सारे प्रोडक्ट्स को आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं। वेल, आज मैं एक रिव्यू करने वाला हूं एक ऐसी बाइक को जिसने इंडियन मार्केट में टोटली धूम मचा दी। इट्स मार्केट बैंक विद एन इंप्रेसिव प्राइस एंड यस, इट्स नन अदर देन एंट्री लेवल बेनेली, दैट इज डीएसके बेनेली TNT 25। वेल, इस बाइक को आज रिव्यू करने वाला हूं एंड आई एम नॉट सो केपेबल कि उस बाइक की सारी जितनी भी स्पेसिफिकेशंस हैं, डायमेंशंस हैं, वो आप सभी के सामने प्रस्तुत कर पाऊं। लेकिन उसके लिए हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हमारे नन अदर देन एक्सपर्ट फ्रॉम डीएसके बेनेली इटसेल्फ। तो अगर आपको वो सारी की सारी चीजें देखनी है तो बने रहिए हमारे साथ इन द सेगमेंट ऑफ मार्केट बस। सो दोस्तों, अब टाइम आ गया है कि आप सभी के सामने आने वाली है बाइक नन अदर देन द डीएसके बेनेली TNT 25। दैट इज 250cc की बाइक है, बहुत ही पावरफुल है। सुना बहुत सारी चीज़ें हैं मैंने इस बाइक के बारे में, मैंने रिव्यूज़ भी देखे हैं, सब कहते हैं कि भैया मार्केट में अगर बाइक हो तो सिर्फ ऐसी हो। लेकिन अब हम इंदौरीज हैं, हम सबकी यही प्रॉब्लम होती है कि जब तक हम उसे चेकआउट नहीं करते, खोज पड़ताल नहीं करते, तब तक हम किसी भी चीज़ पर भरोसा नहीं करते। एंड हमारे साथ हैं हमारे भरोसेमंद एक्सपर्ट नन अदर देन मोहित बोहरे जी फ्रॉम डीएसके बेनेली इटसेल्फ। सर, सबसे पहले आपका वेलकम करना चाहता हूं हमारे सेगमेंट में और आपसे जानना चाहता हूं कि इंदौर में डीएसके बेनेली लेटेस्टली लॉन्च जो बाइक कंपनी है, तो इस कंपनी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, बिकॉज हमारे बहुत से व्यूवर्स हैं जो जानना चाहते हैं व्हाट इज डीएसके बेनेली इज ऑल अबाउट। डीएसके बेनेली मीन्स डीएसके इज एन इंडियन ग्रुप, दीपक शाखाराम कुलकर्णी, बेस्ड इन पुणे। इट्स अ वेरी बिग ग्रुप, अराउंड 5000 करोड़ रुपीज़ की इंडस्ट्री है, जो कि स्कूल इंडस्ट्री, एजुकेशन, फाइनेंस मिनिस्ट्री सभी में डील करते हैं। और डीएसके ने ही बेनेली को इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में। बेनेली इज़ एन इटालियन ब्रांड, 105-year-old लेजेंडरी कंपनी है, जो कि मीन्स इट्स अ पायनियर कंपनी इन इटली, जो कि अब इंडिया में लास्ट 1.5 years से इंडिया में है, जिसको इंट्रोड्यूस कराने वाले डीएसके ग्रुप है। तो डीएसके और बेनेली दोनों का मिलाप हुआ है, तो हमारे सामने है ये बाइक। वाओ मैन, इट्स एन अमेजिंग बाइक। और अगर आप एक टोटली ऑटोमोबाइल बाइक लवर हैं, देन यस, दिस इज अ माउथ वाटरिंग डील फॉर यू, बिकॉज इतने कम प्राइस सेगमेंट में इतने सारे स्पेसिफिकेशंस आपको मिलते हैं। वेल, स्पेसिफिकेशंस आप सभी के सामने बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी डिजाइनिंग स्पेसिफिकेशंस। सर, आपसे जानना चाहता हूं कि अगर हम स्पेसिफिकली TNT 25 की बात करें बेनेली, तो इस बाइक में से कौन कौन सी डिजाइनिंग स्पेसिफिकेशंस हैं जो इस बाइक की यूएसपी है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो TNT 25 250cc सेगमेंट में ट्रेलिस फ्रेम चेसिस, जो कि नेकेड वर्जन है, एंड इसका जो डिज़ाइन है वो TNT 899 कंपनी के टॉप एंड मॉडल से इंस्पायर्ड है। इसका मस्कुलर डिज़ाइन, फ्रेम, स्प्लिट सीट्स, इसका हर एक चीज़ जो भी है वो TNT 899 से इंस्पायर्ड है। मीन्स स्मॉलेस्ट मॉडल और टॉप एंड मॉडल दोनों में सिमिलरिटीज़ रखी गई है। इसका जैसे कि आप देखते हैं, इसके फ्यूल टैंक पे टाइनोट पैटर्न है, एज इट इज़ पैटर्न TNT 899 और 1130 पर भी है। दैट मीन्स जो सबसे प्रीमियम, सबसे टॉप मॉडल है सीरीज़ का, उसकी डिज़ाइनिंग स्पेसिफिकेशंस आपको इस बाइक में मिलती हैं। क्या बात है, मतलब जो आपको टॉप एंड वेरिएंट है उसके सारे डिज़ाइनिंग की जितने भी स्पेसिफिकेशंस आपको इस बाइक में मिलती है। लेकिन स्टार्ट करते हैं इसकी फ्रंट डिज़ाइनिंग के बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले इसकी जो पूरी डिज़ाइनिंग है वो प्योरली नेकेड बाइक के तौर पर की गई है, एंड दिस इज़ अ परफेक्ट नेकेड डिज़ाइन। और अगर आप हेडलैम्प की बात करें तो एक मल्टी रिफ्लेक्टर आपको हेडलैम्प मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा विजन प्रोवाइड करता है नाइट। देर इज़ अ लॉट मोर डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल हेडलैम्प एंड मल्टी रिफ्लेक्टर हेडलैम्प। तो इन दोनों में क्या फर्क होता है और कैसे मल्टी रिफ्लेक्टर हेडलैम्प एक बेटर विजन प्रोवाइड करता है नाइट? सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें दो एंटी फॉग लैम्प दिए गए, पार्किंग लाइट दी गई है, उसके बाद में अपर एंड डीपर के लिए डिफरेंट उसमें लाइट रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। एक पर्टिकुलर रिफ्लेक्टर एक हाई बीम और लोअर बीम दोनों के लिए बनाए गए, जो आपको नाइट विजन के टाइम पे एक परफेक्ट लाइट आपको स्प्रेड करता है, तो नाइट विजन आपका काफ़ी क्लियर होता है इस चीज़ से। एंड यहाँ पर हम देख रहे हैं नॉर्मल बाइक्स अगर आपने देखी है मार्केट में, तो एक चीज़ आपने डेफिनेटली ऑब्जर्व की होगी, हमारे जितने भी सड़कें हैं भारत देश की, उसमें एक प्रॉब्लम बड़ी होती है, गड्ढे बहुत होते हैं, सड़कें कम हैं, गड्ढे ज़्यादा है। फिलहाल मोदी सरकार आ गई है तो हालत सुधर गई है, वो अपनी जगह, लेकिन यहाँ पर आप जो फोक देख पाएंगे, जो फोक सस्पेंशन आपको मिलते हैं, इन्वर्टेड फोक्स हैं, और इन्वर्टेड फोक्स आर वेरी मच डिफरेंट एंड वेरी मच बेनिफिशियल रादर देन दैट नॉर्मल फोक्स। तो आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे ये वर्क करते हैं और कैसे ये राइडर को बहुत ही कम्फर्टेबल फील करवाते हैं इन बम्प्स एंड द क्रैक्स। एक्चुअल में ये जो फ्रंट में इन्वर्टेड टेलीस्कोपिक फॉर्क है, जो कि 41mm का इन्वर्टेड टेलीस्कोपिक है, ये इसमें डैम्पर्स उल्टे अपसाइड लगे हुए रहते हैं। जनरली बाइक्स में, जनरली रोड पे
जो भी बम्प्स आते हैं, नॉर्मल टेलीस्कोपिक जो जनरल बाइक्स होती है उसमें जर्क फील होता है क्योंकि वो गड्ढे में उतरते से ही क्विक रिटर्न होती है। इस बाइक में ऐसा नहीं होता है, जैसे ही गड्ढे में जाती है स्मूथली ऊपर आती है। वही रीज़न से आपको कभी भी शोल्डर्स पे, रिस्ट पे जर्क फील नहीं होता है। जब भी हम स्पीड कर रहे हैं और सडनली अगर कोई क्रैक या फिर बम्प आता है तो एक जर्क हमें फील होता है हमारे शोल्डर्स पे, जिसकी वजह से हमारे शोल्डर्स डैमेज भी हो सकते हैं और कंटिन्यूस इसी शॉक की वजह से हमारे जो शोल्डर्स हैं उसमें डिसेबिलिटीज हो जाती हैं। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए इन्वर्टेड फोक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। 41mm के फोक्स हैं, 41mm आप देख ही सकते हैं इनकी मोटाई कितनी ज़्यादा है, जो कि शॉक एब्जॉर्बिंग जो कैपेसिटी है वो कितनी बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम इसके टैंक की बात करें तो टैंक बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर अलग अलग हम कर्व्स देख पा रहे हैं, कट्स देख पा रहे हैं। अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि सिर्फ स्टाइल के लिए या फिर सिर्फ फैशन स्टेटमेंट के लिए इन्हें ऐसा बनाया जाता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ड्यू टू द डिज़ाइन ऑफ एरोडायनामिक्स, जब ये बाइक स्पीड कर रही है तो इन टॉप मोस्ट स्पीड ये बाइक डिसबैलेंस ना हो, इस वजह से इन्हें डिज़ाइन किया जाता है, इन सारे कट्स को डिज़ाइन किया जाता है। एंड डी एस के बेनेली ने बहुत ही खूबसूरती के साथ इस पूरी बाइक को डिज़ाइन किया है। सर, आपसे जानना चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द एरोडायनामिक्स के जितने भी रूल्स हैं अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो बाइक कितनी कम्फर्टेबल है? कम्फर्टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल इसके फ्यूल टैंक से बात की जाए तो इसकी थाई ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जब आप बाइक राइड कर रहे होते हैं तो आपको बाइक के साथ में एक यूनिबॉडी बनना पड़ता है जिसमें आपको थाई ग्रिप सबसे ज़्यादा मीन्स नेसेसरी होती है। वो आप जब भी बाइक राइड कर रहे होते हैं लीन करना रहता है तो आपको बाइक के साथ जुड़ना ज़रूरी है, वो इसमें आपको कम्फर्टेबली मिलता है। इसमें थाई ग्रिप बहुत ज़्यादा बेस्ट है, मतलब थाई ग्रिप इज टोटली गुड एंड बेस्ट। और यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस इज़ सम काइंड डिफरेंट, आपको एक यहाँ पर एक फ्रेम मिलती है, एक नेट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है ऑफ स्टील ट्यूब्स। ये किस मटेरियल से बनाया गया एंड व्हाट इज़ द क्या रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पर इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है? ये ट्रेलिस फ्रेम चेसिस है जो कि स्टील अलॉयस पे इससे बनाया गया है और ये इंजन को ऊपर से होल्ड किया हुआ रहता है और ये स्पोर्ट्स बाइक के लिए, नेकेड बाइक्स के लिए सबसे बेस्ट चेसिस होता है। ये इंजन का एक तो पूरी ओवरऑल व्हीकल का वेट भी कम करता है एज वेल एज इसकी मजबूती और ज़्यादा होती है, तो मतलब इसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा देता है और साथ में आपकी जो सेफ्टी होती है उसे भी इंश्योर करती है भाई। लेकिन जब हम सीटिंग की बात करें तो सीटिंग शुड बी वेरी कंफर्टेबल, बिकॉज अगर आपने अच्छी बाइक खरीदी है ना, आपको अगर अच्छी बाइक खरीदी, महंगी बाइक खरीदी है तो आपका शौक होता है कि आपको लॉन्ग ड्राइव्स पर जाना है किसी समवन स्पेशल के साथ, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि फैमिली या फिर फ्रेंड्स के साथ जाओ, तो उस टाइम पर आपको बहुत कंफर्टेबल रहना पड़ता है। और अगर सीटिंग्स की बात करें तो बहुत ही कंफर्टेबल सीट है। अगर आप इसके सीटिंग के स्ट्रक्चर को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो अगर आप बैठते हैं किसी भी सीट पर, किसी भी बाइक पर, तो एक नॉर्मल स्क्वायर स्ट्रक्चर होता है, लेकिन आपको यहाँ पर वो नहीं दिया गया है बिकॉज बहुत ही कंफर्टेबल सीट है। अगर आप बैठते हैं तो जो आपका एक थाई पोर्शन होता है यहाँ पे कट्स आप इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिस वजह से जो थाई पोर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल मोड में रहता है। आप इसे स्पीड पर राइड करें या फिर सिटी कंडीशन में ब्रेक दबा दबा के ट्राफिक में राइड करें, सिटी कंडीशन के हिसाब से भी बहुत ही अच्छी इसकी सीटिंग्स हैं। जो रियर सीटिंग्स हैं वो भी बहुत कंफर्टेबल है। अगर अधिकतर हम स्पीडिंग बाइक्स की बात करें तो उसमें जो रियर सीटिंग होती है वहाँ पर आपको कोई ग्रिप नहीं होता, कोई होल्ड नहीं कर सकते आप कुछ भी चीज़, जिसकी वजह से जो इंडियन राइडर होता है वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करता है। तो उन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर एक ग्रिप बनाया गया है जिसमें आप पकड़ सकते हैं, इजीली बैठ सकते हैं एंड फिर लड़कियों को आप पीछे बिठा के जितनी चाहे स्पीड कर सकते हैं, ब्रेक मार मार के गाड़ी चलाए, कोई दिक्कत नहीं है। और सर, अगर हम इसके रियर डिज़ाइनिंग के बारे में बात करें तो क्या कहना चाहते हैं आप? इसका जो रियर टेल लाइट है ये 2003 से जो इसका मॉडल था TNT 1130 का, उसी से इंस्पायर्ड होकर इसका टेल लाइट है जो कि LED फिटेड है। LED लाइट से इसको एनर्जी सेविंग भी, इसका जो बैटरी सेविंग रहता है एज वेल एज इसका विजन काफ़ी ज़्यादा क्लियर रहता है दूर से। कोई भी बाइक पीछे से आ रही होती है तो उसका कॉलिजन जो होने का एक चांसेस रहता है, इससे क्लियर हो जाता है, मीन्स उसमें कोई चांसेस नहीं रहता है। मतलब कॉलिजन के जो चांसेस है वो क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि अगर लाइट की डिज़ाइनिंग पर आप ध्यान से देखेंगे तो LED लाइट्स है और जिस प्रकार से इन्हें डिज़ाइन किया गया है तो पीछे से कितनी भी दूर से राइडर कितनी भी स्पीड में आ रहा है, अगर इस बाइक के जो ब्रेक्स हैं अप्लाई होते हैं तो सबसे पहले रेड इंडिकेटर शुरू हो जाएगा और इससे पता लग जाएगा कि ब्रेक अप्लाई हो चुके हैं, तो जो पीछे वाला राइडर है उसको भी अच्छा विजन मिलता है ताकि जो एक्सीडेंट्स और कॉलिजन के चांस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। सो दीज वर द टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस ऑफ द बाइक DSK Benelli TNT 25। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम दोनों मिलकर आप सभी के सामने लाने वाले हैं। अगर आपको वो सारी चीज़ें देखनी है तो बने रहिए हमारे साथ इन द सेगमेंट ऑफ मार्केट बस। Now it's time to check out the designing details of the bike DSK Benelli TNT 25. This is a pure muscularly designed nude bike. Let's start with the dimensions. Bike is 2080 mm long, 805 mm wide,
and 1090 mm heighted, which is very much comfortable for Indian road ride. It provides wheelbase of 1400 mm and ground clearance of 160 mm, and the curb weight is around 159 kg. Bike is designed very well when it comes to styling. Multi-reflector headlamp provides a great vision at night. Tie knot pattern detailings on the tank is the first glimpse attraction for every automobile lover. Slim tank with angular extensions are hard rock to appreciate. Its trellis frame and side detailings cutout are icing on cake. Seating is very much comfortable for rider as well as for the pillion rider too. Tail lamp is newly and innovatively designed with great visibility. So guys, now it's the time that हम discuss करने वाले हैं इसकी इंजन, इसकी मशीनरी स्पेसिफिकेशंस को, यानी TNT 25 DSK Benelli, और आपसे जानना चाहता हूँ कितने CC का इंजन प्रोवाइड करती है DSK Benelli इस बाइक में। It's purely 249 CC है, सिंगल सिलेंडर इंजन है, जो कि वाटर कूल्ड इंजन है, जो कि सपोर्टेड बाय कूलेंट है। And it generates 28 bhp power at 9800 rpm. 28 bhp, that is 28 brake horsepower का आपको ये power provide करती है. But when we talk about the torque is the thing जो हर कोई youngster चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा torque मिले. तो कितना torque ये bike provide करती है जितने भी Indian market में? 22 Nm torque at 8000 rpm. क्या बात है, मतलब बहुत ही अच्छे और स्ट्रॉन्ग आंकड़े हैं. और ये आंकड़े सिर्फ ऐसे ही नहीं है, एक्चुअली परफॉर्म भी करते हैं, एक्चुअली सेटिस्फाई करते हैं जितनी भी नीड्स है. और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हम यंगस्टर्स को बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लाइक हमें तेज़ बाइक चाहिए, हमें स्पीडिंग करनी है. जब हम सेफ्टी की बात करते हैं तो ऐसी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके हिसाब से इस बाइक को बहुत ही सेफ़ और सिक्योर बनाते हैं? इस बाइक में फ्रंट में जो इसका ट्रेलिस फ्रेम चेसिस है, उसी पे फ्रेम स्लाइडर्स की माउंटिंग्स दे रखी है, जिसमें फ्रेम स्लाइडर्स एक रिप्लेसमेंट होता है हमारे लेग गार्ड्स का. इस बाइक में लेग गार्ड की कोई स्पेस नहीं होती, बट एक फ्रेम स्लाइडर्स होते हैं जो कि आप यहाँ पर माउंट कर सकते हैं इजीली, जो कि आपके बाइक इनकेस अगर कभी फॉल डाउन होती है तो वह उसको पूरा लोड बियर वो करता है, और आपकी बाइक में एक फ्यूल टैंक पे या किसी भी पार्ट पे कोई स्क्रैच भी नहीं आता इवन. सो यहाँ पर आप एक फ्रेम स्लाइडर एडजस्ट करवा सकते हैं, माउंट करवा सकते हैं, और इनकेस अगर बाइक गिरती है तो आपके टैंक पर, आपकी बाइक पर एक भी स्क्रैच नहीं आएगा. सो एक बहुत ही अच्छा फीचर है. लेकिन आपसे जानना चाहता हूँ कि जब हम बात करते हैं कम्फर्टेबिलिटी की, तो फ्रंट सस्पेंशन की हमने बात कर ली, रियर में ऐसा कौन सा सस्पेंशन है जो आपको एक अच्छा कंफर्टेबल फील प्रोवाइड करता है? रियर में 42 mm का इन्वर्टेड मोनोशॉक अब्जॉर्बर है, जो कि सेंट्रली माउंटेड है, और वो कॉइल स्प्रिंग से है. ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका जो सस्पेंशन ट्रैवल होता है वो बहुत ही अच्छा है, और आपको सॉफ्ट कुशनिंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है. सॉफ्ट कुशनिंग के लिए और सेंट्रली माउंटेड सस्पेंशन का कितना बड़ा बेनिफिट होता है स्पोर्ट्स बाइक में? इसमें सबसे अच्छा बेनिफिट होता है कि इसका CG मेंटेन रहता है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है उसकी बात करते हैं, तो इसमें वेल मेंटेन रहता है, एक ही पॉइंट पे रहता है, जो कि आपके बाइक को टर्नओवर होने के लिए, रोलओवर होने के लिए ऐसा कोई चांसेस नहीं बनते हैं. और जब हम टायर की बात करें तो रियर टायर आप देख सकते हैं बहुत ही वाइड है, बहुत ही ब्रॉड है. तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब हम अगर रियर टायर की बात करें तो कितना हेल्प करती है ये शार्प टर्न्स पे, जब हम बाइक को हल्का सा टिल्ट करके बाइक को टर्न करते हैं तो कितने हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए ये? बिल्कुल, रियर जो टायर साइज़ है इसका 150 mm का मेटजेलर टायर साइज़ है, जो कि रोड ग्रिप बहुत अच्छी बनाकर चलता है. सेकंड चीज़, अगर आप कभी लीन करना चाहते हैं तो अराउंड 40 डिग्रीज तक आप उसको इजीली लीन कर सकते हैं, बहुत, जो कि बहुत अच्छा डिग्री है, टर्न ऑफ डिग्री है, अगर आप चाहें तो इतना लीन कर सकते हैं इजीली. मतलब 40 डिग्रीज तक आप इसे बाइक को लीन कर सकते हैं ऑन शार्प टर्न्स. लेकिन जब हम बात करते हैं सेफ्टी की, तो एक और ऐसी चीज़ है जो सेफ्टी में सबसे पहले आती है, जो लोग चेक करते हैं, दीज थिंग्स आर ब्रेकिंग्स. सपोज आप स्पीडिंग कर रहे हैं तो कितनी स्टेबिलिटी के साथ, अगर इन केस कोई चीज़ सडनली सामने आ जाती है तो इन दैट केस सडनली आपको ब्रेक अप्लाई करने पड़ते हैं, तो किस स्टेबिलिटी के साथ बाइक कितनी जल्दी रुक सकती है, कितनी जल्दी 100 to 0 आ सकती है, तो उस चीज़ के लिए कौन से ब्रेक्स अप्लाई किए गए हैं DSK Benelli ने इस बाइक में, यानी TNT 25 में? फ्रंट में इसमें ड्यूल पेटल डिस्क है, जो कि 4 piston कैलिपर्स के साथ में, जनरली किसी और बाइक में ये सिस्टम नहीं है. इस बाइक में 4 piston कैलिपर्स हैं, जो कि इजीली इफेक्टिव ब्रेकिंग के लिए जाना जाता है. फ्रंट में अगर आप चाहें तो ड्यूल डिस्क ब्रेक भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ये किसी और बाइक में ये ऑप्शन फर्स्ट टाइम सुना मैंने दैट ड्यूल डिस्क ब्रेक. बिकॉज अगर हम फ्रंट की बात करें तो सिर्फ अधिकतर बाइक्स में सिंगल डिस्क ब्रेक ही होता है, लेकिन ड्यूल डिस्क ब्रेक का क्या फ़ायदा होता है? ड्यूल डिस्क ब्रेक की आपकी चॉइस रहती है. एक्चुअल में जो TNT 25 के लिए रिकमेंड है वो सिंगल डिस्क ब्रेक भी, बट स्टिल अगर आप उस चीज़ को और बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसमें सेकंड डिस्क ब्रेक विद कैलिपर है उसको इंस्टॉल. दिस इज अ काइंड ऑफ एडिशनल फीचर इन दिस बाइक. और अब मैं बिल्कुल बेताब हो
रहा हूँ, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो इस बाइक का रोरिंग साउंड सुनना चाहते हैं, एग्जॉस्ट साउंड सुनना चाहते हैं। सो क्या वो पॉसिबल है कि आप हमें एग्जॉस्ट साउंड सुनाएं? श्योर। तो यहाँ पर एग्जॉस्ट साउंड स्टार्ट होने वाला है। अगर आप अपनी नज़र डालेंगे कीज़ पर, तो जैसा कि कीज़ बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल है, आपको बता देता हूँ, ये है यहाँ पर की मिलती है, जो हमारे कहते हैं कि हमारे भारत देश में आपको रामपुरी की याद आ जाएगी। तो ये आप ऐसे ही आप बटन प्रेस करेंगे, सटाक से ही खुलता है और बहुत ही अच्छी दिखने में। और यहाँ पर मैं इसे माउंट करने वाला हूँ एंड हेयर मैंने इसे ऑन कर दिया है एंड आप एक बहुत ही अच्छा साउंड सुन पा रहे हैं, एक बहुत ही एक रोरिंग साउंड है। अभी तक तो बाइक स्टार्ट भी नहीं हुई, तो सिर्फ एक स्टार्टिंग वाइब्रेशन है एंड अब बाइक स्टार्ट होने वाली है एंड हेयर bike is started. Oh my god, so can you please accelerate little bit, jo hamare jitne bhi viewers hain wo aur acche se enjoy kar payenge iske sound ko. So let's have a look. क्या बात है, दिस साउंड इज़ टोटली ऑसम। और एक बार तो मुझे लग रहा था कि बॉस इससे ज़्यादा तो मेरे कान नहीं झेल पाएंगे। वेल, साउंड बहुत अच्छा है और बाइक बहुत अच्छी है, डिज़ाइन बहुत अच्छी, इंजन बहुत अच्छा है, लेकिन जाते जाते बस आपसे एक ही प्रश्न पूछना चाहते हैं हमारे सारे व्यूवर्स कि कितने प्राइस में वो इस बाइक को अफोर्ड कर सकते हैं, किस प्राइस सेगमेंट में। ऑन रोड प्राइस अगर हम बात करें इंडिया की, तो देर आर डिफरेंट पार्ट्स, लेकिन अगर एक शोरूम की बात करें तो एक शोरूम प्राइस क्या है इसकी? इसकी एक शोरूम प्राइस है 1,88,000 रुपीज़। 1,88,000 रुपीज़। एंड वेन वी टॉक अबाउट द डिफरेंट रीजन, देन नॉर्थ रीजन एंड साउथ रीजन, अलग अलग रीजन्स की बात करें, देन कंपेरेटिवली टू देम, सेंट्रल रीजन में ऐसी कौन सी प्राइस है जो आपको ऑन रोड पे अवेलेबल हो जाती है बाइक? 2,16,000 में आपको सेंट्रल रीजन में अवेलेबल है। 2,16,000, दैट मीन्स इन दिस प्राइस सेगमेंट अगर इतने सारे स्पेसिफिकेशंस आपको मिल रहे हैं, देन इट्स अ वेरी गुड डील। और ऐसी बाइक आपको मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और एक और चीज़ बताते जाओ जाते जाते, कितना देती है बाइक? अराउंड 28 to 30। आप मजाक कर रहे हैं, दिस इज नॉट द राइट डिजिट। नो सर, दिस इज नॉट द जोक। 28 to 30 आपको मिल जाता है एवरेज, मतलब 28 to 30, और वो भी कस्टमर का रिव्यू बता रहे हैं। बिकॉज जब हम स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं, अगर बहुत ही हाई एंड बाइक है तो उसका एवरेज बहुत ही कम होता है, लेकिन 28 to 30 इज़ अ वेरी गुड डिजिट। क्या बात है, मतलब इंडियन रिटेलर जो आपको बाइक मिलती है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगी। ऑफकोर्स इसकी जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, उसके साथ में आपको एक बहुत ही अच्छा एवरेज मिलता है जिससे माइलेज प्रोवाइड करती है बाइक, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। एंड ऑफकोर्स अगर मेरा बजट अराउंड 2,16,000 है, देन आई बाय दिस बाइक फॉर श्योर। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड आई होप कि हम इन फ्यूचर बहुत सारी बाइक्स को साथ में रिव्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सो गाइज, आप जानते हैं कि अभी हमारा यहाँ से जाने का टाइम हो गया, लेकिन जाने से पहले बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अभी भी आप सभी के सामने आना बाकी है अबाउट द बाइक DSK Benelli TNT 25। सो अगर आपको वो सारी चीज़ें देखनी है तो बने रहिए हमारे साथ इन द सेगमेंट ऑफ मार्केट बस। Bike is having a very easily readable analog and digital instrument cluster. It has a span adjustable brake lever for the adjustment according to the rider. Engine is of single cylinder 4-stroke DOHC liquid cooled with engine displacement of 249cc. Power output is 28 bhp at 9000 rotations per minute with torque of 2.1 kg at 7000 rpm. It is having 6 manually operated gear transmission for better grip and comfort. It has inverted front telescopic fork suspensions and at the rear it has hydraulic monoshock absorber with hydraulic disc brakes in both the tires. This bike has a pure rolling exhaust sound that will turn every head to your side on the road. And DSK Benelli TNT 25 is available in two color variants. One is red and another one is white. सो गाइज, अब टाइम हो गया है कि आप सभी को टाटा बाय बाय बोले तो अलविदा बोलना है, लेकिन उससे पहले आप सभी को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि प्लीज़, हम इतनी स्पीडी बाइक्स को रिव्यू करते हैं तो आप शौक में आके अपनी नॉर्मल बाइक्स को स्पीड ना करें, और अगर स्पीड करना चाहते तो प्लीज़ सेफ्टी गियर्स को अप्लाई करें अपनी बॉडी पर, हेलमेट्स, आर्म गार्ड, उन सारी चीज़ों से लेस हो जाएं, उसके बाद ही आप रोड पर निकलें किसी को इम्प्रेस करने के लिए, किसी भी लड़की को। वेल, जोक्स अपार्ट, लेकिन अभी तो हमारे यहाँ से जाने का टाइम हो गया है, तो जाने से पहले आप सभी का फीडबैक हमारे पास आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें फीडबैक दें ऑन
feedbackua@gmail.com पर कि आपको आज का हमारे मार्केट बस का सेगमेंट कैसा लगा बेस्ड ऑन द बाइक डीएसके बेनेली TND25। और अगर आपको हमें कहीं पर भी फॉलो करना है तो सीधे जाइए यूट्यूब पर, बस एक ही वर्ड टाइप करें, दैट इज @BTVYUVA, और जितने भी शो हैं सब आपके सामने आ जाएंगे, आप उन्हें एंजॉय कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फेसबुक का इस्तेमाल रोज करते हो लेकिन अगर अभी तक HBTV युवा का ऑफिशियल पेज ऑन फेसबुक लाइक नहीं किया है तो पहले जाएं, उसे लाइक करें और साथ में आपके जितने भी ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं उन्हें भी इनवाइट करें ताकि वो उस पेज को लाइक करें। सो ऑन दिस नोट, दिस इज योर विजय कुशाग्रे साइनिंग ऑफ विद कैमरा पर्सन मनीष राव जागा जी, बट यू गाइस कीप वॉचिंग हैथवे BTV युवा, क्योंकि ये जमाना है वी द यंगस्टर्स का।